नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। रश्मि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल। मूंग दाल बनाने के लिए मैंने एक कटोरी दाल ली है। मैंने मूंग दाल को अच्छे से धोकर ले लिया है। एक प्याज कट करके ली है, एक टमाटर कट किया है, चार हरी मिर्च ली है, थोड़ा हींग, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर। अब हम दाल को कुकर में डालेंगे। और उसी बर्तन से कम 3 कप पानी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, एक सीटी लगाएंगे। ये देखिए, दाल में एक सीटी आ चुकी है और हमारी दाल बनकर तैयार है, अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम दाल में तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। कढ़ाई में जीरा डालेंगे, हरी मिर्च, प्याज, ये देखिए हमारी प्याज भुनकर तैयार हो चुकी है। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हींग और अब डालेंगे टमाटर। ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इस दाल को डाल देंगे। ये देखिए हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। मूंग दाल को आप सिर्फ घी और जीरे में भी छोंक सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से बनी हुई दाल पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।